सभी को नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं कि हिमाचल के विभिन्न जिलों में 31 जनवरी और 1 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम। आज भारतीय मौसम विभाग ने जो मानचित्र दिखाया है उसमें हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। और आज ही हमको पता चला है कि जो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विभाग शिमला है, उसने भी चेतावनी जारी की है। ये 31 जनवरी और 1 फरवरी 2024 के लिए है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 31 जनवरी को जिलावार कैसे रहेगा पूरे हिमाचल प्रदेश का मौसम। इसमें अगर हम देखें, ये बुलेटिन जो है आज जारी किया गया है, तो सबसे पहले भारी जो बर्फबारी हो सकती है उसमें जिला है चंबा, लाहौल स्पीति। और उसके बाद हम देखें, ये हिमाचल का मानचित्र है, लाहौल स्पीति के बाद कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ पर भी बर्फबारी होने की संभावना जताई है भारतीय मौसम विभाग शिमला ने। और कुल्लू में भी हैवी स्नो, भारी बर्फबारी होगी। मंडी की भी ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ हो सकती है। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी होने की संभावना है, यहाँ कहीं बारिश नहीं दिखा रहा है। किन्नौर में काफ़ी देर से इंतज़ार है और सेब की खेती के लिए वांछित है। हैवी स्नो किन्नौर में भी कल होने की संभावना है, 31 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। तो मंडी, कांगड़ा के जो ऊँचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी होगी, और बाकी लाहौल स्पीति और हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर हैं, दूसरे ज़िला हैं, वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। सोलन में, ऊना में और सिरमौर में येलो अलर्ट दिखाया गया है, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग है, यहाँ बारिश होने की संभावना है। जबकि शिमला में भी बहुत देर से वांछित है सबको, पर्यटकों को खास तौर पर, वहाँ पर भी 31 जनवरी को बर्फबारी हो सकती है, ऐसा अनुमान भारतीय मौसम विभाग शिमला कार्यालय ने आज जानकारी दी है। आइए देखते हैं उसके बाद 1 फरवरी को किस प्रकार का रहेगा हिमाचल प्रदेश का मौसम। हालांकि 4 तारीख तक मौसम चलेगा ऐसे ही, चंबा में फिर दिखाई है उन्होंने भारी बर्फबारी 1 तारीख को, तो बर्फ़ पड़ सकती है। लाहौल स्पीति में भी 1 फरवरी को बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचे क्षेत्र हैं जहाँ हाई अल्टीट्यूड्स हैं, कांगड़ा की ऊपर की जो वैलीज हैं, कांगड़ा में वहाँ भी बर्फबारी होगी ऐसा अनुमान है। चंबा में, और उसके बाद हम देखें कुल्लू में, कुल्लू मनाली में भी बर्फबारी होने की संभावना है। हैवी स्नो लिखा है तो इसका मतलब बर्फ़ ज़्यादा पड़ने की संभावना है। शिमला में फ़िलहाल कोई वार्निंग नहीं है 1 तारीख को, अगर बर्फ़ पड़ी तो वो 31 को ही पड़ेगी। मंडी में भी कोई वार्निंग नहीं है, जबकि बिलासपुर में थंडर स्टॉर्म है और हमीरपुर में भी थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग है, यहाँ बारिश हो सकती है ऐसा अनुमान जताया है। सोलन में कोई चेतावनी नहीं है, उसके बाद शिमला में भी कोई चेतावनी नहीं है, और फिर देखें हम किन्नौर में भी कोई चेतावनी नहीं है कि 1 तारीख को वहाँ बर्फबारी होगी या बारिश होगी, जबकि सिरमौर में फिर बारिश होने की संभावना है। इस वर्षा आश्रित प्रदेश के लिए खेती से संबंधित हम फिक्र में थे कि कब होगी यहाँ पर बारिश या कब पड़ेगी यहाँ पर बर्फ। सब लोग रखेंगे अपना ध्यान, चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।